फ्रेंड्स, आज की हेयर स्टाइल बनाने के लिए हमने इस तरह से बालों को सीधा कर लिया है कॉम करके, और फिर इस तरह से देखिए हम एक पूरे बालों को समेट के एक पोनीटेल बना ले रहे हैं। ना बहुत ऊपर बनानी है ना बहुत नीचे के साइड बनानी है, एकदम मिडल पार्ट में बनानी है। तो हम सबसे पहले पोनीटेल बना लेते हैं मिडल में। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने एक पोनी बना ली है, ना बहुत हाई है ना बहुत ही नीचे के साइड है, डाउन के साइड है, हमने एकदम मिडल पॉइंट में बना ली है। अब देखिए इस तरह से हमने एक क्लचर लिया है, ये देखिए। अब ये क्या करना है, ये देखिए ऐसे हमने बालों को ऊपर की साइड कर दिया है, और ये जो हमने बैंड लगाया है बिल्कुल जस्ट इसी के ऊपर साइड पूरे बालों को हम एक साथ करके क्लचर लगा दे रहे हैं। इस तरह से क्लचर टाइट लगाएंगे जिससे पूरे बाल उसी के अंदर अच्छे से एडजस्ट हो जाए। और फिर ये देखिए पीछे की साइड हमने हेयर को पलट लिया है इस तरह से। हल्का सा कोम कर ले रहे हैं एकदम हल्के हाथों से, थोड़ा सा बालों को हाथ से एडजस्ट कर लेंगे ताकि जिससे पूरे हेयर बराबर से आ जाए। ये देखिए इस तरह से बालों को कर लिया है, और ये जो इसका नीचे का पॉइंट आ रहा है बालों का एकदम लास्ट का, उसमें हम इस तरह से एक रबर बैंड लगा दे रहे हैं। ये देखिए इस तरह का एक रबर बैंड है पतला सा, तो इसको यहाँ पे हम लगा ले रहे हैं। ये देखिए इस तरह से लगा दिया है। अब इस बालों को हम अंदर की साइड कर ले रहे हैं, ये देखिए इस तरह से। और फिर जो नीचे की साइड हमने रबर बैंड का हिस्सा अंदर की साइड मूव किया उसको हम यू पिन से सिक्योर कर दे रहे हैं। पिन अच्छी तरह से लगा लेंगे, यदि आपके पास यू पिन नहीं है तो आप इस तरह के पिन का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, तो हम इसी को लगा कर दिखाएंगे। पिन को अंदर की साइड लगाएंगे जिससे कि पिन ऊपर की साइड दिखाई ना दे। एक पिन इस साइड से भी लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा बन बन के रेडी हो गया है। आपने देखा कि कितना इजीली बना है ये। ये देखिए इस तरह से, ये ऊपर की साइड से इस तरह से लग रहा है, कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इसको आप अगर डेकोरेट करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने लगाने के लिए ये इस तरह का एक हेयर एक्सेसरीज है उसको लिया है, तो इस साइड से हम लगा दे रहे हैं किनारे की साइड से, और यू पिन से उसको हम सिक्योर कर ले रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बन के रेडी हुआ है, कितना प्यारा देखने में लग रहा है, कितने इजीली तौर से बन गया है, कोई भी टाइम नहीं लगा इसको बनाने में। मुश्किल से 2 मिनट 3 मिनट का समय लगा होगा बनाने में इसको। ये देखिए दोनों साइड से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह का कोई ज्यादा वेट वाला या ज्यादा हैवी टाइप का आप एक्सेसरीज नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये देखिए इस तरह से आप ऊपर की साइड एकदम छोटा सा, ये जो थोड़ा सा यहाँ पे जो होल शेप आया हुआ है इसमें आप इस तरह का एक कांटा लगा सकते हैं, तो जूड़े की खूबसूरती और ज्यादा ही बढ़ जाने वाली है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। ये देखिए फ्रेंड्स, सेकंड हेयर स्टाइल क्लचर की हेल्प से बनाने के लिए हमने फिर से एक पोनीटेल करी है, ना ही बहुत हाई है ना ही बहुत लो है, मिडिल में करी है, और इस तरह से कोम करके बालों को हम एकदम सीधा कर ले रहे हैं। ये देखिए इस तरह से हमने बालों को साइड में करा हुआ है इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हम क्लचर लगा दे रहे हैं। ये देखिए इस तरह से लगाया है, फिर बालों को इस तरह से हम इस तरफ मूव कर ले रहे हैं, हल्के हाथों से बालों में कोम कर लेंगे जिससे बाल एकदम सीधे हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, और नीचे की साइड फिर से हम एक रबर बैंड लगा ले रहे हैं, नीचे की साइड इस तरह से एक रबर बैंड लगा ले रहे हैं, रबर बैंड लगा लिया है, इसको अंदर की साइड मूव कर दे रहे हैं। ये देखिए इस तरह से, और बालों को इस तरह से हमने क्लचर के ऊपर से लाया इस तरह से, और साइड में हम इसमें यू पिन लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा बन बन के रेडी हो गया है। इस साइड से हमने इसको कांटों की हेल्प से यू पिन की हेल्प से सिक्योर करा। अगर आपके पास यू पिन नहीं है तो आप सिंपल पिन भी, बॉबी पिन भी इसमें यूज कर सकती हैं। ये देखिए इस बन कितना खूबसूरत बना है, इसको और ज्यादा खूबसूरत दिखाने के लिए इस तरह से हम इसमें ये हेयर एक्सेसरीज लगा दे रहे हैं जिससे इसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाएगी। पिन की हेल्प से सिक्योर कर रहे हैं,
इसमें एक दो बीच में भी हम कांटे लगा देंगे जिससे ये अच्छी तरह से सिक्योर हो जाए, निकले नहीं बार बार। तो ये देखिए फ्रेंड्स बनके रेडी हो गया है, कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। फिलहाल मेरे पास यही एक्सेसरीज है लगाने के लिए, और आपके पास अगर कुछ अलग से भी कुछ और भी है तो आप इसको अपने मर्जी के अनुसार इसको डेकोरेट कर सकते हैं। जैसा भी आपके पास सामान हो आप इसमें लगा सकते हैं और इसको और भी ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। इस साइड से भी देखिए इस तरह से देखने में कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है ये। तो आई होप फ्रेंड्स कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो साइड में बेल आइकन आता है उसे भी प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसमें आपका कुछ भी पैसा या कुछ भी नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।